Hello everyone. We will discuss about one more question on the PDA conversion from the CFG. It means हमारे पास एक CFG गिवन है और उससे हमें एक PDA बनाना है. तो आई होप इस लेक्चर को देखने से पहले आपने मेरे प्रीवियस टू लेक्चर्स को देख लिया है जिसमें हम लोगों ने यह सीखा था कि किस तरह से गिवन CFG को हम PDA में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जो गिवन ग्रामर है क्या वो ग्रैबक नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं. अगर ग्रैबक नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे, और अगर वो ग्रैबक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसके रूल्स अलग होंगे. तो जो ये ग्रामर गिवन है वो ग्रैबक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. ग्रैबक नॉर्मल फॉर्म में तभी होता जबकि राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट होता और उसके बाद नॉन टर्मिनल्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस. लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, इसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल किसी भी ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो ग्रामर है वो ग्रैबक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. भाई इसको हम लोग पीडीए में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पीडीए में कन्वर्ट करने से पहले इसका जो प्रोडक्शन है हम उनको सेपरेटली लिख देते हैं. सो एस प्रोड्यूसेस एस प्लस एस, देन एस प्रोड्यूसेस एस मल्टीप्लाइड विद एस, देन एस प्रोड्यूसेस 4 एंड एस प्रोड्यूसेस 2. सबसे पहले हमें इसमें रूल्स बनाने होंगे. तो जो रूल्स हम बनाएंगे वो कैसा होगा कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सभी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही हैं, तो हमें जो रूल्स बनाने होंगे वो ऐसे बनाने होंगे कि हमें ट्रांजिशन फंक्शन हम बना रहे हैं. सो लेट्स से हम किसी भी स्टेट क्यू पे हैं और एप्सिलॉन मेरे पास इनपुट आया और स्टैक का टॉप एस है. इसको हम ग्रामर के राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे. सो एस विल गेट रिप्लेस विद एस प्लस एस. सिमिलरली जो सेकेंड रूल होगा वो सेकेंड प्रोडक्शन के हिसाब से होगा. सो एप्सिलॉन मेरा इनपुट है और एस मेरा टॉप ऑफ स्टैक है. इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन से इसको रिप्लेस कर देंगे. तो राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन सेकेंड प्रोडक्शन का है एस मल्टीप्लाइड विद एस. थर्ड प्रोडक्शन के हिसाब से सब चेंज करते हैं. क्यू कोई भी एक स्टेट है, एप्सिलॉन मेरा इनपुट सिंबल है और एस मेरा टॉप ऑफ स्टैक है. राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन थर्ड प्रोडक्शन का 4 है तो मुझसे इसको रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज द थर्ड रूल. फोर्थ रूल में वंस अगेन हम जो फोर्थ रूल है सेम ऐसा ही काम करेंगे. एप्सिलॉन मेरा इनपुट है और स्टैक का टॉप एस है, तो राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन से इसको रिप्लेस कर देंगे. सो ये तो हमारे चार रूल्स हो गए. इसके अलावा जो भी कोई एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल होगा और या तो प्लस सिंबल होगा. तो अगर ये मैच करते हैं, सो लेट्स से हमारे पास हम किसी भी सर्टेन स्टेट क्यू में हैं, मेरा प्लस स्टैक के टॉप पे और प्लस ही इनपुट सिंबल है, तो हम क्या करेंगे इसको पॉप कर देंगे. सो वी विल पॉप दिस. सिमिलरली क्यू मेरा करंट स्टेट है, इनपुट सिंबल स्टार है और स्टैक का टॉप भी स्टार है, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे. सिमिलरली मेरे पास इनपुट सिंबल 2 है और स्टैक का टॉप भी 2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे पॉप कर देंगे. ये मैच होगा जो भी स्टैक का टॉप से हम उसको पॉप कर देंगे. सिमिलरली क्यू मेरा करंट स्टेट है, 4 मेरा इनपुट है और 4 ही टॉप ऑफ स्टैक है, तो इसको हम क्या करेंगे पॉप कर देंगे. सो दीज आर द 8 रूल्स और इसी 8 रूल के हिसाब से हम गवर्न करेंगे अपने सारे प्रोसेस को. तो मान लीजिए कि हमें ये गिवन है कि एक स्ट्रिंग है जो कि 2 + 2 मल्टीप्लाइड विथ 4, इस टाइप की एक स्ट्रिंग है और हमें इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है पीडीए के थ्रू. सो चूंकि हमने पीडीए के ट्रांजिशंस बना लिए हैं और हम ऐसा पीडीए बना रहे हैं जिसमें कि एंड जो होगा दैट विल बी थ्रू दी एम्प्टी स्टैक. सो एक हम पहले स्टैक ले लेते हैं और इस स्टैक में टॉप पे एस डाल लेते हैं. तो ये मेरा इनिशियल स्टैक है जिसमें कि स्टैक के टॉप पे एस है. नाउ अब आपको क्या करना है कि आपके टॉप पे जब एस होगा तो विदाउट सीइंग द इनपुट हम इसको किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड से चेंज करेंगे या इस 1 to 8 में से कोई एक रूल्स लगाएंगे. तो 1 to 8 में से जो रूल अप्लीकेबल होगा इस केस में 1 to 4 ही अप्लीकेबल होगा, क्योंकि 1 to 4 में ऐसा दिख रहा है कि स्टैक के टॉप पे एस है. तो इनमें से कोई भी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. और जो हम पीडीए बना रहे हैं दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, इसका मतलब है कि डेफिनेट नहीं है कि यही प्रोडक्शन सेलेक्ट होगा. सो फिलहाल के लिए 2 + 2 × 4 अगर मेरा इनपुट है तो इसके अकॉर्डिंग इंट्यूशन से हम ऐसा करते हैं कि रूल नंबर 1 अप्लाई कर देते हैं. सो अगर हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे सो एस चेंज हो जाएगा विद एस प्लस एस या एस रिप्लेस हो जाएगा विद एस प्लस एस. सो हमने यहाँ पे रूल 1 अप्लाई किया है. जब भी हमारे पास स्टैक के टॉप पे एस होगा तो विदाउट सीइंग द इनपुट हम उसको
वन टू फोर में से कोई एक रूल अप्लाई कर देंगे। सो रूल वन अप्लाई हो गया है, और रूल वन को अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके स्टैक के टॉप पे एस है। और वंस अगेन, चूंकि ये मेरा इनपुट 2 + 2 × 4 है, तो वैसे तो इनपुट को देखना नहीं है, फिर भी अपने इंट्यूशन से हम क्या करते हैं कि जो स्टैक का टॉप है उसको रूल नंबर 4 के हिसाब से चेंज कर देते हैं और इसको 2 में चेंज कर देते हैं। सो दिस, लेट्स से दिस इज 2 + 2 + डायरेक्शन फॉर एंटर। सो दिस इज 2 + s, एस को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, और इसके लिए हमने जो रूल अप्लाई किया है दैट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 से हमने ऐसा कर दिया। अब आपको पता है कि जो इनपुट आपका है वो है 2 + 2 × 4। इसमें जो करंट हमारा जो पॉइंटर होगा वो 2 पे होगा, और आप देख सकते हैं कि स्टैक का टॉप 2 है और इनपुट का भी जो सिंबल है वो 2 है। तो आप रूल नंबर 7 अप्लाई करके इसको पॉप कर सकते हैं। सो लेट्स से हमने रूल नंबर 7 अप्लाई किया और इसको पॉप कर दिया। सो प्लस एस, सो जो इनपुट में बचा दैट इज +2 × 4। करंट सिंबल हमारा यहाँ पे है और स्टैक का टॉप भी प्लस है। तो अब हम कौन सा रूल अप्लाई करें जिससे कि प्लस और प्लस मैच हो रहे हैं। सो दिस विल बी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि आप स्टैक को पॉप कर दें अगर स्टैक का टॉप भी प्लस है और इनपुट सिंबल भी प्लस है। भाई इसको हम पॉप कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास इनपुट बचेगा दैट विल बी 2 × 4। नाउ इस केस में जो स्टैक के टॉप पे अपियर हो रहा है दैट इज एस, क्योंकि स्टार्ट सिंबल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल अपियर हो रहा है स्टैक के टॉप पे, इसलिए विदाउट सीइंग द इनपुट हमें इसको चेंज करना होगा। सो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि इंट्यूशन ये कह रहा है कि 2 × 4 मतलब एस मल्टीप्लाइड विथ एस, ऐसी चीज अप्लाई होगी। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से एस को हम एस मल्टीप्लाइड विथ एस से रिप्लेस कर देते हैं। सो वी हैव अप्लाइड रूल नंबर 2। नाउ अभी भी हमारे पास इनपुट जो है वो 2 × 4 ही है। इसमें करंट सिंबल मेरा 2 है, लेकिन अभी इस पे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि स्टैक के टॉप पे स्टार्ट सिंबल है। क्योंकि स्टैक के टॉप पे स्टार्ट सिंबल है या नॉन टर्मिनल है, तो इसको हम किसी रूल के हिसाब से चेंज करेंगे। सो इंट्यूशन हमारा ये कहता है कि इसको रूल नंबर 4 के हिसाब से आप इस एस को 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। सो 2 × s, यहाँ पे हमने रूल नंबर 4 लगा दिया जिसमें कि स्टैक के टॉप को 2 से चेंज कर दिया गया। नाउ आप देख सकते हैं कि जो इनपुट है वो है 2 × 4, और इसमें करंट जो इनपुट है वो 2 है। करंट इनपुट और स्टैक का टॉप मैच कर रहा है, इसलिए हम इसको पॉप कर सकते हैं रूल नंबर 7 के हिसाब से। सो वी हैव अप्लाइड रूल नंबर 7 और इसके हिसाब से हमने पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद हमारे पास जो सिंबल्स बच रहे हैं स्टैक के टॉप पे वो मल्टीप्लीकेशन और एस है, और जो इनपुट में बच रहा है वो मल्टीप्लीकेशन एंड 4 है। सो नाउ यू कैन सी कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है जो करंट इनपुट है और स्टैक का जो टॉप है वो मैच करते हैं। सो इसलिए आप रूल नंबर 6 को अप्लाई करके इसको पॉप कर सकते हैं। तो स्टैक के टॉप पे एस बच जाएगा और आपके इनपुट में केवल 4 बचेगा। नाउ आफ्टर दिस स्टैक का टॉप जो आपका एस आपको दिख रहा है, विदाउट सीइंग द इनपुट आपको इसको चेंज करना है किसी एक प्रोडक्शन से। तो एस प्रोड्यूसेस 4 वाला प्रोडक्शन जो कि रूल नंबर 3 के हिसाब से है। सो रूल नंबर 3 आप अप्लाई कर दीजिए और एस को 4 से रिप्लेस कर दीजिए। इनपुट में भी आपके पास 4 ही है, तो इट्स वी आर राइटिंग द इनपुट हियर। सो इनपुट में आपके पास 4 ही है और स्टैक के टॉप पे भी आपके पास 4 ही है। इसका मतलब आप इसको रूल नंबर 8 अप्लाई करके पॉप कर सकते हैं। जब आप रूल नंबर 8 को अप्लाई करेंगे तो स्टैक एम्प्टी बच जाएगा। तो चूंकि स्टैक एम्प्टी आ गया, तो आप भी कह सकते हैं कि सिंबल्स ये जो स्ट्रिंग है दैट इज गॉट एक्सेप्टेड बाई द पीडीए, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाई पीडीए एंड दिस एक्सेप्टेंस इज बाई द एम्प्टी स्टैक। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमने पीडीए बनाया है वो पीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है, एन पीडीए है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस बाई एम्प्टी स्टैक होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद द न्यू कॉन्सेप्ट।